बाईपास के प्रपोजल पर केंद्र सरकार में सहमति नहीं बन पाई है। आलम यह है कि छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ शहर में भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। सड़क की क्षमता से अधिक हैवी गाड़ियां शहरी सीमा से रोजाना गुजर रही हैं, लिहाजा शहर को एक बाईपास की जरूरत है और इसके लिए कवायदा भी शुरू हुई है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने 2 साल पहले बाईपास के लिए प्रपोजल भेजा था, परंतु केंद्र से इसके लिए स्वीकृति ही नहीं मिल पाई। वजह बताई गई कि प्रस्तावित स्थल में निजी जमीन अधिक है। वैसे तो डोंगरगढ़ क्षेत्र को केंद्र व राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है, इस मायने से शहर विकास महत्वपूर्ण हो जाता है। बाईपास निर्माण का कार्य शुरू न होना एक कारण बताया जा रहा है। बता दें कि बाईपास के लिए प्रपोजल पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा था। निर्माण से ज्यादा मुआवजे के प्रकरण बनने से राज्य सरकार द्वारा भेजे गए बाईपास निर्माण के प्रपोजल को सिरे से खारिज कर दिया गया है। शहर में बढ़ते हैवी ट्रैफिक के दबाव को कम करने और भारी वाहनों की आवाजाही शहरी सीमा से बाहर करने के लिए चौथना भरी टोला होकर कलकत्ता तक बाईपास बनाने का प्रपोजल भेजा गया था। धार्मिक नगरी होने से दर्शनार्थियों की आवाजाही साल भर बनी ही रहती है, 24 घंटे भारी वाहनों की आबादी एरिया से दौड़ रहे हैं। बाईपास नहीं होने से सैकड़ों लोगों की जान सिर्फ दुर्घटनाओं से चली जाती है। उसके बाद भी यहां के जनप्रतिनिधियों में इस प्रपोजल को लेकर किसी प्रकार की सक्रियता नहीं दिखाई दे रही और हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मां बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति ने भी सहमति देते हुए बाईपास बनाने का प्रपोजल भेजा, लेकिन प्रस्तावित बाईपास एरिया में सबसे अधिक निजी भूमि प्रभावित होगी, जिन्हें कलेक्ट्रेट गाइडलाइन के मुताबिक मुआवजा देना होगा, जबकि बाईपास निर्माण की लागत मुआवजे से कम आएगी। इसलिए इस प्रपोजल पर सरकार राजी नहीं हुई और बाईपास निर्माण की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यहां से प्रस्तावित है कि बाईपास उसमें जंगल होंगे। डोंगरगढ़ से संवाददाता सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बाईपास रोड का जो प्रथम स्तरीय शासन को भेजा गया वो है 17/10/2014 को 21,44,98 लाख करोड़ है ना, और इसमें जो है बजट में शामिल करने के लिए 7/1/2015 को शासन को भेजा गया है। डोंगरगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है और करोड़ों रुपया विकास के लिए यहाँ, लेकिन कई बार प्रपोजल जो है ऊपर जाके लटक जाता है। ये जो बाईपास का मांग पिछले कई वर्षों से यहाँ के नागरिकों द्वारा किया जा रहा है, बाईपास के नहीं होने की वजह से सैकड़ों के तादाद में अब तक एक्सीडेंट हो चुका है, कई लोगों का पैर टूट गया है, कई लोग मर भी गए हैं। खासकर स्कूली बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है, कभी भी उनके साथ कोई भी दुर्घटना घट जाता है, जिसके लिए प्रशासन को पूरी तरह नागरिक जिम्मेदार ठहरा रहा है। कई बार हमने बात करने की कोशिश किया कि इस संबंध में भाई कुछ किया जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं, स्टॉपेज नहीं लगाया जाता। अगर स्टॉपेज हो तब भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के बाईपास रोड की आवश्यकता दिन को दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाँ, ये पिछले कई वर्षों से बाईपास रोड को लेकर नागरिकों में मतलब मांग उठते जा रही है कि यहाँ बनना चाहिए बाईपास, और अब तक नहीं बना है। शासन द्वारा स्वीकृति हुई थी बाईपास कलकत्ता से लेकर चतरा तक, लेकिन कुछ कारण से उसको रद्द कर दिया गया, जबकि यहाँ की जनता के लिए बाईपास बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमेशा यहाँ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और हमेशा दुर्घटना होता ही रहता है। ये रोड में आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है, और शासन से हम लोगों का मतलब अनुरोध है कि यहाँ जल्द से जल्द काम कराए और बाईपास रोड यहाँ से निकले, जिससे कि ट्रैफिक का दबाव ना हो। स्कूली बच्चों के साथ भी दुर्घटना हो चुका है, यहाँ पर स्कूली बच्चे भी है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और हर कम से कम 4-5 दुर्घटनाएँ होती है, कई लोगों को हम लोग उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, कभी कुछ होता है। शासन से हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस रोड का काम वो चालू करें अपने स्तर पर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.